नरेंद्र मोदी की मां भारतीय नहीं है, पर सबूत पेश करके दिखाते नरेंद्र मोदी, मैं मान जाऊंगा। जो 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 तौर तरीके हैं एनआरसी और एनपीआर के, अमित शाह के मां बाप भारतीय हैं, मैं धरती मैं फांसी लगा दूंगा चौराहे पर अगर नरेंद्र मोदी अपने मां के प्रमाण जारी कर दे कि वो भारत की महिला है और अमित शाह भारत के भारतीयों की औलाद है ये सिद्ध कर दे, तो मैं सार्वजनिक तौर पर यहां चौराहे में आकर फांसी लगा दूंगा जंतर मंतर के सामने। मोदी जी जिस संघ परिवार से हैं उनके गुरु थे गोलवर्कर। गोलवर्कर ने कहा भारत में भारत के शूद्रों से और ईसाइयों से उनके नागरिक का अधिकार छीन लेने चाहिए। गोलवर्कर की सोच और संघ की सोच और समझ क्या है, हमारे देश में हजारों हजार वर्ष पहले रामायण काल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने गूढ़ संस्कृत में की थी, जिसको तब के उच्च स्तर के ब्राह्मणों की जो समझ थी उससे भी ज़्यादा कठिन संस्कृत में उन्होंने की रचना। तो क्या कहा गया, महर्षि वाल्मीकि डकैत थे। क्या डकैती डाली उन्होंने, रामायण काल से पहले से भारत के दलितों को संपत्ति और शिक्षा अर्जित करने का हक नहीं था, और शिक्षा हक नहीं था हासिल करने का, और महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना कर डाली, इसलिए डकैत बताया गया। हमारे दूसरा इतिहास है महाभारत का, महाभारत में भी शिक्षा दीक्षा और संपत्ति का हक नहीं था। दुर्योधन के शिष्य अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्धारी थे कौन, एकलव्य भील पुत्र, उनका अंगूठा कटा डाला। और अब आजादी के 7 दशक बाद हमारे देश में, मैं कह रहा हूं रामायण काल में जिनको शिक्षा और संपत्ति रखने का हक नहीं था, महाभारत काल में भी नहीं था, उनको हक मिला बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान का। और चूंकि उनसे यह सब छीनना है, इसलिए भारत में बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान को खत्म करने के लिए और संघ के विधान को लागू करने के लिए यह पटकथा लिखी गई है। जो गोलवर्कर ने कहा, इसका समय हो सकता है कि समय क्यों चुना उस पर आता हूं मैं, गोलवर्कर ने कहा था भारत में शूद्रों से और ईसाइयों से नागरिक अधिकार छीन लेने चाहिए, जिंदा भर रह सके ये काफी है, उसके लिए डिटेक्शन सेंटर बन रहे। मैं 4-5 उदाहरण देता हूं। अभी आपने देखा होगा जबेदा एक महिला है, 3 बीघा जमीन बेच चुकी है, 15 किस्म के कागजात दिखाए अपने पैतृक, जो हम कहते हैं जमीन के कागजात भी उसने पेश किए, उसने पासपोर्ट के सॉरी उसने राशन कार्ड पहचान पत्र और तमाम जो चीजें हैं 15 किस्म के कागजात पेश किए, वो पेश नहीं कर पाई क्या कि वो अपने पिता की पुत्री है। और पिता की पुत्री होने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में 15 से 16, 17, 18 साल की बच्चियों की शादी की परंपरा रही है और 21 साल के लोग मतदाता बनते थे, 18 साल का प्रचलन अब शुरू हुआ है, तो समझ लो कि भारत की सारी दादी माओं की नागरिकता खत्म। संघ के गठन से लेकर आज तक इसमें कभी किसी महिला को स्थान नहीं मिला। ये न केवल दलितों के वंचितों के संविधान के दुश्मन है, महिलाओं के दुश्मन है। सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है, जेल में जाने वाला, वो तबका सबसे बड़ा हमारे भारत की महिलाओं का है। क्यों, आपके कागजात नहीं चलेंगे, एक आपको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। सर एनआरसी तो नहीं हो रही, नहीं देखिए एनआरसी नहीं हो रही है, एनपीआर क्या हो रहा है, आप जो कह रहे हैं हमारे देश के अंदर CAA, NPR, NRC एक ऐसा त्रिशूल है जिससे आप हमारे देश के नागरिक अधिकारों की हत्या करेंगे, हमारे संविधान को खत्म करेंगे और संघ के विधान को लागू करेंगे। ये जो आप बोल देते हैं कि नहीं हो रहा है, एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी ने ये जो नागरिकता देने के कानून में बदलाव किया, इसकी क्या जरूरत थी मुझे बताइए, नागरिकता कानून तो बहुत पहले था, उसका कोई विरोध नहीं हो रहा। नागरिकता कानून को जो बदली किया गया, मतलब हमारे देश को संचालित करने के लिए संविधान है और संविधान की आत्मा है धर्म निरपेक्षता, उसकी हत्या की गई षड्यंत्र के तहत संघ के विधान को लागू करने के लिए। अभी एनपीआर में पूरी एनपीआर की जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के तहत आपको डाउटफुल सिटीजन बनाया जाएगा,
और डाउटफुल सिटीजन, ये तो लिखा हुआ है ना, एनपीआर का जो पहला चरण है एनआरसी का, और एनपीआर होना है और वो कानून में है, एनआरसी के कानून में है कि एनपीआर उसका पहला चरण है, और पहले चरण में आपको डाउटफुल नागरिक बनाना है। और पहली विचित्र स्थिति हो रही है, भारत में 90 करोड़ मतदाताओं पहचान पत्र धारकों ने जिस सरकार को चुना उसने क्या कर दिया, हमारे देश के लोगों की नागरिकता छीन ली। मैं गलत नहीं हूं, हमारे देश की बेटियां सड़क से लेकर के इनके आश्रमों में बलात्कारियों से भयभीत है। चिन्मयानंद जो बलात्कारी और जमानत पर आ गया, जिस जज ने उसे जमानत दी उसका तरक्की हो रहा, हाईकोर्ट का जज बनाया जा रहा है उसको। हमारे देश में व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापार नहीं बच पा रहा है, उद्योगपति आत्महत्या कर रहे हैं और तालाबंदी कर रहे हैं, उद्योग नहीं बच पा रहे, और हमारे देश के अंदर 3 दर्जन बेरोजगार रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं, सीमा भी नहीं बच रही है। और सबसे बड़ी बात है, अब आपने एनपीआर एनआरसी और सीए का जो त्रिशूल बनाया, इससे हमारे देश के 1,37,00,000 आबादी की नागरिकता छीन ली है। ये प्रमाणिक बात है। अब ये जो नागरिकता छीन ली है, बड़ी विचित्र स्थिति है, हमारे देश के लोग सिद्ध करेंगे हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। मैं आपके माध्यम से गजेंद्र जी एक बात बोलता हूं, नरेंद्र मोदी की मां भारतीय नहीं है, पर सबूत पेश करके दिखाते नरेंद्र मोदी, मैं मान जाऊंगा। जो 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 तौर तरीके हैं एनआरसी और एनपीआर के, अमित शाह के माँ बाप भारतीय हैं, मैं धरती में मैं फांसी लगा दूंगा चौराहे पर अगर नरेंद्र मोदी अपने माँ के प्रमाण जारी कर दे कि वो भारत की महिला है, और अमित शाह भारत के भारतीयों की औलाद है ये सिद्ध कर दे, तो मैं सार्वजनिक तौर पर यहाँ चौराहे में आकर फांसी लगा दूंगा जंतर मंतर के सामने। सोसाइट कर, मैं मोदी नहीं हूँ, मेरा नाम भूपेंद्र रावत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, हमारे भारत में राष्ट्रपति रह चुके फखरुद्दीन अली अहमद के वंशज अपने को भारतीय सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में 38 साल वायुसेना में रह चुके छबिंदर शर्मा जो लेफ्टिनेंट रिटायर हुए, 3 बार अपने कागजात सबमिट करके अपने को भारतीय सामने सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। कारगिल युद्ध के योद्धा शहीदुल्ला, वो अपने को भारतीय नागरिक सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। जबेदा है, 50 साल की महिला 3 बीघा पैतृक जमीन बेच चुकी है 1,00,000 रुपए में, और उसके पास 15 किस्म के कागजात थे, वो अपने को भारतीय शामिल भारतीय नागरिकता अपनी नहीं बता पा रही कि भारत की है कि नहीं। सर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शाहीनबाग के मामले को लेकर, कि ये प्रोटेस्ट रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध करना तो मौलिक अधिकार है लेकिन किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो एक कमेटी उन्होंने बनाई मध्यस्थता के लिए, वो लोग तो पहले से ही विरोध कर रहे थे, इसमें क्या समझ में नहीं आया सर लोगों को? नहीं, देखिए एक बड़ी बात, मैं जिस दिन शाहीनबाग गया था मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मेरी जितनी समझ है उसके मुताबिक, मैंने अगर आपको ध्यान हो तो 31 दिसंबर को कहा था कि मुझे अपने देश में न्यायालय में बैठे जजों के विवेक पर और अपने देश में बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान पर पूरा यकीन है। सरकार किसी भी प्रकार के रास्ते पर चलना चाहे, लेकिन न्यायालय में बैठे सम्मानित न्यायाधीश हमारे देश में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर आंच नहीं आने देंगे। और वो पंडित आपने देखा हाई कोर्ट का रवैया हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात अलग कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विरोध करने का हक है, सब कुछ है, लेकिन कहा कि जिनका रास्ता रोका जा रहा है उनका भी हक है। मैं एक बात कहता हूं, लेकिन आप देखिए, आपने एनडीटीवी का एक रिपोर्ट देखी है, एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने रास्ता बंद करके रखा हुआ है और दूसरी तरफ अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद करके रखे हुए हैं। हम कह रहे जामिया मिलिया के सामने भी धरना चल रहा है, वो माए जितनी जगह पर बैठी है वहीं पर एक साइड से गाड़ियां दूसरी साइड निकल सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जान बूझ करके चूंकि इनको वोट हासिल करना था। देखिए एक पहली बात यह है कि संघ परिवार देश और दुनिया में एक संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है कि भारत में संविधान को खत्म करके हमारे देश के नागरिक अधिकारों को खत्म करने के बाद सिर्फ नुकसान मुसलमानों का होना है, यह गलत और झूठी बात है। हमारे देश के अंदर 30 करोड़ भूमिहीन, और वो कैसे बताएंगे, क्या सबूत देंगे, क्योंकि जिस तरीके से जबेदा ने सारे कागजात दे डाले, 15 किस्म के कागजात उन 30 करोड़ भूमिहीनों के पास होंगे इसकी गारंटी नहीं है। 15 करोड़ घुमंतू जाति के जो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, उनमें और 1,70,00,000 जो बेघर लोग हैं वो कौन है पता, उसमें साधु और संत भी। मैं चिन्मयानंद की बात, आसाराम बलात्कारी की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं बात कर रहा हूं उनकी जो भिक्षाटन करते हैं 1,70,00,000 में, वो साधु और संत। साधु बनने से पहले उसे अपने माँ का बाप का नाम, अपने जाति और सब कुछ त्यागना पड़ता है। ये बताए वो साधु और संत कैसे बताएंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, वो कहाँ से सर्टिफिकेट लाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाप का त्याग कर दिया होता है। हम ये कह रहे हैं उनका भी नागरिकता खतरे में पड़ने वाली है। 8,43,00,000 आदिवासियों की नागरिकता खत्म खतरे में पड़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपके पास सबसे बड़ा सरकार के द्वारा जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र अगर आपके पिता का आपके पास नहीं है, तो आपकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इसी दावे के साथ मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की माँ के पास, नरेंद्र मोदी की माँ के मतलब नाना नानी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। एक गारंटी की बात है, हो ही नहीं सकता। सर, देश भर में बवाल हो रहा है सी और एनआरसी को लेकर, विरोध हो रहा है, और उसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है भारत दौरा, और गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाती है झुग्गियों के, आप कैसे देखते हैं? वो गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल ये है कि अगर आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास नगर, महानगर, मेरठ, देहरादून, जहाँ भी जाइए आप, किसी भी कस्बे, पटवा, पटना, पूरे भारत के कस्बे, नगर, महानगरों में सर पर घर घर जाकर सामान बेचने वाली, ड्राई फ्रूट, अखरोट बेचने वाली, स्टील के बर्तन बेचने वाली, प्लास्टिक के सामान बेचने वाली जो दिखेंगी, वो सब की सब गुजरात की महिलाएं हैं। आप मुझे बताइए, यदि गुजरात की माँ बहनें सच में संपन्न है गुजरात, तो गुजरात की माँ बहनें पूरे भारत में घर घर जाकर सामान क्यों बेचने के लिए व्यवसाय, जरा मुझे बताइए। और अगर गुजरात बहुत संपन्न है, तो गुजरात के गरीबों के घर छिपाने के लिए एक बड़ी दीवार नरेंद्र मोदी क्यों खड़ा कर रहे? यही तो गुजरात मॉडल है। गुजरात का मॉडल यही है कि वहाँ की माँ बहनें पूरे भारत के नगर और महानगरों में जाकर फेरी लगाकर परिवार को पालती है, पर गुजरात संपन्न बनाया जाता है। और यही है गुजरात का मॉडल कि अगर वहाँ आ रहा है हाउडी मोदी वाला, वहाँ तुम करने के लिए गए, वो कह रहा है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जरूरी है क्योंकि बिहार का चुनाव है। अब देखिए खेल क्या है, धरती पर सबसे ज्यादा झूठ बोलने की जो मशीन है, यहाँ भारत में नरेंद्र मोदी और वहाँ ट्रंप, दोनों की दोनों कंपटीशन है, प्रतियोगिता है झूठ बोलने में। झूठ बोलने में तो हमारा देश का प्रधानमंत्री कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोल के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, फर्जी डिग्री के कारण, अर्थ ज्ञान नहीं है उसको, आर्थिक ज्ञान के अभाव के कारण हमारे देश की विकास दर और हमारे देश की रुपए की कीमत तीनों गिरने में कंपटीशन हो रहा है। कभी नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का स्तर नीचे गिरता, तब तक अगले दिन रुपए का और नीचे गिर जाता है और विकास दर का और नीचे। पैमाना बदल डाला इन्होंने, कौन सा, विकास दर को नापने का, जो बैठा अभी गवर्नर भारत की आजादी के 72 साल में पहली बार है। इतिहासकार हमारे देश का अर्थशास्त्री का जिम्मेवारी माने गवर्नर है भारत का, और उसकी क्वालिटी क्या है, उसने नोटबंदी का भी समर्थन किया था, उसने GST का भी समर्थन किया था, और उसने ये जो पैमाना है विकास दर को मापने का, इसको बदलने का भी समर्थन किया था, क्योंकि इतिहास का जानकार मतलब समझ में, जो जिसकी विद्या उसको साजे और करे तो डंडा बाजे, ये इतिहासकार है, उसको अर्थशास्त्री की जिम्मेवारी सौंपती है, तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसलिए वह गुजरात मॉडल है जो भारत की में फेरी लगा रही हैं महिलाएं, यही गुजरात का मॉडल है कि गरीबों को दीवार के पीछे उनके घरों को छिपाया जा रहा है। और ये जो हमारे देश में 137 करोड़ आबादी की नागरिकता छीनने के लिए संघ के विधान को लागू करने के लिए बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान को खारिज किया जा रहा है। और इसमें मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, जिन ताकतों ने रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया था, महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, वही सोच और वही समझ आज आजादी के 72 वर्ष बाद बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान, जिससे हमारे देश के वंचित तबकों को नागरिक अधिकार मिले हैं, उन्हें छीनने का षड्यंत्र कर रही है।